हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने जींस के कपड़े का यूज़ किया है। बच्चे का सैंडल लेके इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे। जिस तरह से सैंडल की शेप है उसी तरह से निशान लगा लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़ के तब कटिंग करनी है। देखिए, निशान के बाहर से कटिंग की है ताकि ये कपड़ा सिलाई में दब जाए। इसी तरह से हम चार पीस कट कर लेंगे। ये चार पीस कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे 10 इंच का निशान लगाएंगे। सैंडल के ऊपर जो पट्टी लगेंगी मैं वो काट रही हूँ। यहाँ से 2 इंच का निशान लगाना है। इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब इस कपड़े को डबल करके यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से 6 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इसको मिला लेंगे। यहाँ से भी मिला लेंगे। यहाँ से 5 इंच का निशान लगाना है और ये इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम फोम पे निशान लगा लेंगे। जिस तरह से सैंडल की शेप है उसी तरह से निशान लगा लेना है। कम या ज़्यादा नहीं करना। दोनों सैंडल का निशान लगा लेना है। देखिए, ये निशान आया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। फोम में मार्जिन नहीं छोड़ना। जो भी निशान आया है उसी पे से कटिंग कर लेनी है। दोनों की कटिंग कर ली है। ये पट्टी है, इस पे इस तरह से निशान लगाना है। इसको यहाँ से मोड़ के ये जो निशान है इस पे से कटिंग कर लेनी है। दोनों साइड से इसी तरह से कटिंग करनी है। इस तरह से पट्टी की कटिंग हो जाएगी। अब ये 2 पीस लेके इनकी सिलाई कर लेंगे। यहाँ से फोम डालने के लिए जगह छोड़ दी है। देखिए, दोनों इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम बाहर की साइड, इसको इस तरह से कट कर लेना है। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे।
दोनों को सीधा करने के बाद इनके अंदर फोम डाल लेंगे। देखिए ये फोम इस तरह से इनके अंदर डाल लेंगे और जहाँ से सिलाई रहती थी यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। दोनों में डाल ली है। अब यहाँ से सिलाई कर देंगे। मैंने इसके चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। देखिए दोनों इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। अब ये वाइट कलर की पट्टी ली है, ये स्ट्रेचेबल है। अब इस पट्टी को इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब इस पट्टी को ऊपर की साइड इस तरह से मोड़ देंगे और इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ इस पट्टी को इसी तरह से लगा लेना है। यहां से भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टी इसी तरह से तैयार कर ली हैं। अब इसके ऊपर भी ये पट्टी लगा लेंगे। यहाँ से गोलाई है तो सिलाई थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। यहाँ पे ये पाइपिंग वाला कपड़ा थोड़ा कम रह गया था तो इसको इस तरह से जॉइंट कर लिया है। इसके पूरे के ऊपर इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है।
अब इसको यहाँ से मोड़ देना है। देखिए इसको इस तरह से तैयार कर लेना है, दोनों को इसी तरह से तैयार कर लेना है। ये जो पट्टी है इसके ऊपर निशान लगा लिया है, देखिए बच्चे के पैर का जितना साइज है उतना ही इसके ऊपर निशान लगा लेना है और जो निशान है वहाँ से इसको जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब इसको इसके ऊपर लगा लेना है। इसको भी सिलाई से जॉइंट कर देना है। ये वाली सिलाई आराम से ही लगाना, क्योंकि जल्दबाजी में करोगे तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से इनको जोड़ लिया है, देखिए दोनों को इस तरह से जोड़ लिया और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके नीचे की साइड ये व्हाइट वाली पट्टी लगा लेंगे। इसकी सिलाई इस तरह से कर लेनी है। Thank you.
इसके चारों तरफ ये पट्टी लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब इसको हम ऊपर की साइड मोड़ लेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए सैंडल की कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। दोनों सैंडल तैयार कर लिए हैं और इनके यहाँ ये बटन लगा दिए हैं। इनको इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और वैसे भी बच्चों की तो हर एक चीज़ अच्छी लगती है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।